हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन सैलेड बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आज तैयार करूँगी इसको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि हम रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वन टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। इंस्टेंट प्रोटीन सैलेड तैयार करने के लिए मैंने आधा खीरा लिया है और उसके दो हिस्से करके मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ पतले पतले स्लाइसेस में, तो साइज आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। सेम तरीके से मैंने आधा प्याज लिया है और उसके दो हिस्से करके पतले पतले स्लाइसेस कर रही हूँ। प्याज अगर आप पसंद करते हैं तो शामिल करें, अदरवाइज स्किप कर दें। एक हरी मिर्च ली है और इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, पसंद करते हैं तो आप इसको डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। और इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने रफली चॉप कर लिया है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स का साइज है वो आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सारी सब्जियों को हम एक बॉल में डाल देते हैं, बॉल को रख देते हैं साइड पे और आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ, जो कि मैंने गैस पर चढ़ा दी है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप साबुत मूंग की दाल, जो कि भीगी हुई है, मैंने रात को ही इसको पानी में भिगा दिया था, इस टाइम ये सॉफ्ट है। और इसी के साथ मैं काले चने ले रही हूँ, ये भी भीगे हुए हैं, रात को ही मैंने दोनों साथ में भिगा दिया था, 1/4 कप ये भी हैं, तो इसकी क्वांटिटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो दोनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छा सोर्स हैं और दोनों ही सलाद में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1/4 चम्मच, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, मिक्स कर देते हैं। और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून बटर शामिल कर रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसको हमें ना ही बहुत देर तक गलाना है ना पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको स्टीम करना है, ताकि इसका हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए। कई बार होता है बिल्कुल कच्ची जो दालें हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं किसी किसी को, तो इसके लिए है, इससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और हल्का सा इसमें स्टीम भी लग जाएगी। दाल आपकी बिल्कुल ड्राई है तो इसमें 1 या 2 चाय का चम्मच पानी डाल लें, ताकि इसमें अच्छे से स्टीम आ जाए, बॉटम से चिपके ना। इसको ढक देते हैं और 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में स्टीम दे देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं इसको स्टीम देते हुए, इससे ज्यादा हमें स्टीम नहीं देना है, अगर हम चाहते हैं कि जो सैलेड है हमारा हेल्दी बन के तैयार हो, उसके जो गुण है वो बने रहें, तो बस हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। दालें कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हैं और जिस बॉल में हमने सब्जियों को काटा था उसी बॉल में हम दालों को शिफ्ट कर देते हैं। और इसी के साथ मैंने 2 अंडों को हार्ड बॉईल किया था और उसके जो अंदर की जर्दी है उसको हटा दिया है, और इसकी जो सफेदी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप जर्दी खाते हैं तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। आप दालों से भी सैलेड तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब सैलेड को अच्छा टेस्टी तैयार करने के लिए इसमें कुछ बेसिक हम मसाले शामिल कर रहे हैं। मैंने काला नमक डाला है 1/4 चम्मच और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, जो कि 1/4 चम्मच लिया है। चाट मसाला डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून लेवल करके, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1 नींबू का रस इसमें शामिल कर देते हैं, बहुत अच्छा सा चटपटा सा हमारा सैलेड बनेगा। और इसमें जो मसाले शामिल करे हैं उसकी क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़े से मैं इसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ, अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। एक अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ही इजी, टेस्टी और हेल्दी सैलेड तैयार कर लिया है, जिसके इंग्रेडिएंट्स घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है। आप इसको लंच में भी ले सकते हैं, एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं, और अगर आप डाइट पर हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ आपने आसान से हेल्दी सैलेड को इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम सानिया दस्तखान पर आए तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसी तरह के मज़ेदार से वीडियोज़ लेकर, तब तक लिए टेक केयर।